लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओए ओए ओए, चाय के साथ ये अभी गर्म है ना, तो ये देखें जी, वाह देखें जी, बहुत ही कमाल है। आपके सामने है जो मीठी ये इस तरह की डिशेज होती हैं रेसिपीज, उस पर ये तिल बहुत ही अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो सब लोग खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू फूडिया पाकिस्तान पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कश्मीरी कुलचे। ये मतलब कि नान की तरह होता है ये ना, ऐसे पेड़ा टाइप होगा और स्वीट होता है। वैसे कश्मीर में ये नमकीन भी खाते हैं और मीठा भी खाते हैं, सही है, चाय के साथ। तो ये तो वो नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम जो है ना मीठा बनाते हैं। तो मीठे का ये है कि मतलब चाय के साथ खाए तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन नमकीन भी अच्छा। नमकीन देखते हैं कि यार मजेदार किस्म के कश्मीरी कुलचे कैसे तैयार होंगे, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कश्मीरी कुलचों के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैदा, अंडे और यीस्ट है, सोडा है, चीनी, नमक, घी, दूध। तो ये जब मैं बनाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह ये स्टार्ट हो। इसके लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए। ये 2 कप से मैं बता रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप 4 कप से बनाएं, इसको डबल कर लूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए 2 कप से स्टार्ट ले रही हूँ। तो 2 कप मैदा, इसमें जाएगी 1 चम्मच यीस्ट, ये आपको ईज़िली मिल जाती है, अब तो ये बहुत यूज़ होती है। 1 चम्मच है ये, देखें चाय की चम्मच है मेरी, वो बड़ी खाने वाली चम्मच नहीं है। यीस्ट चाहेगा 2.5 चम्मच सोडा, मीठा सोडा जो हर घर में मौजूद होता है, 2/4 चम्मच नमक, और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि इसको घूमना कैसे है। इसमें आपने नमक क्यों डाला? आप मीठा नहीं बना रही? नमक इसलिए डाला है कि नमक जो है ना मिठास को ना ज़्यादा अच्छा, मतलब उसका स्वीट सा टेस्ट आता है, तो नमक मैंने थोड़ा सा डाला है। तो अगर जो मीठा नहीं बनाना चाहते वो इसको नमक को डबल कर दें, वो 1 चम्मच कर। अच्छा, 2 कप मैदा है ना, तो 2 अंडे जाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, 1 इस अंडे की जो हमने ना ये जर्दी जो है ना ये बचा लेनी है, ये आगे काम आनी है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसको बचाने का तरीका देख लें कि इसकी जो सफ़ेदी आप सारी डाल दें और थोड़ी सी बचा लें, थोड़ी सी बचा लें, ये हमारे आगे काम आनी। थोड़ी सी पिसी है, थोड़ी सी मोटी है, यानी पिसी तकरीबन ये चीनी है 1 कप, वो हमने इन अंडों में डाल देने। और इसको अच्छी तरीके से हमने, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने चीनी को बिल्कुल अंडों के साथ ब्लेंड कर लेना, जैसे हम वो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें ये बिल्कुल यही मिक्सचर चाहिए। इसको अच्छा सा इतना मिक्स करें कि ये चीनी और अंडे यकजा हो जाए, और इसी से ही ना हम आटा गूंदेंगे, इसलिए हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। हम तो बनाते रहते हैं और चाय के साथ हम खाते हैं, और ये महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा बीट करना है ताकि चीनी जो अंडों में बिल्कुल मिक्स हो जाए। देखें ज़रा, और ये कलर भी चेंज हो रहा है अंडों का, वाइट नहीं आ रहा है। वैसे ये बेक होंगे, ये मैं आपको बता लूँ, ये फ्राई नहीं होंगे, इन्होंने बेक होना है। और वो हमारा देश का है ओवन जो है देसी, उसमें आपको हम बेक करके दिखाएंगे। बहुत क्रिस्पी होते हैं ये, बड़े ही शानदार। अब इसी मिक्सचर को, पहले जो ड्राई मिक्सचर है, अच्छा कई लोगों को ज़रा मैदा सूट नहीं करता, मे बी मैदे का प्रॉब्लम हो कुछ हो, तो आप घर का जो आटा, देसी आटा है ना, उससे भी आप बना सकते हैं, तो ये बेस्ट है। अब ये जो अंडों का मिक्सचर है, इससे हमने आटे को गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, हो सकता है अगर आपको आटा पतला हो जाए तो आप मैदा और डाल सकती हैं। तो अगर मामा किसी को अंडे का मसला हो, मतलब अंडा ना डालना चाहता हो वो, तो वो अंडे ना डालें, उसकी जगह दूध से गूंद लें। दूध भी डलेगा इसमें, दूध भी डलेगा, लेकिन वो दूध से गूंद लें, टेस्ट वही आएगा। अंडे से तो हम इसलिए, ज़रा अंडों का टेस्ट बड़ा स्वीट सा आता है, तो जिनको अंडों से एलर्जिक है वो ना डालें, वो दूध से गूंद लें। और ये बहुत ही, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी अच्छी ये बनती है, और ये बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाएगा। अभी तो ये देखें ना बुरबुरा सा है, ये फिर डो की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये दूध भी डलेगा, लेकिन 1 कप फुल नहीं डलेगा, ये मैंने वैसे रखा हुआ है, नीम गर्म दूध है, तो ये थोड़ा थोड़ा हम करके, जो बाकी आटा रह गया ना, ये देखिए अभी आटा रहता है, अंडों से पूरा नहीं हुआ, तो अब बाकी हम दूध डाल के तो इसको इसमें गूंदेंगे, इसको बाइंड करना है ना हमने। और इसमें घी भी डलता है, घी हम देसी डालेंगे। घी से ये क्या खस्ता होता है ना? घी से बहुत खस्ता हो जाता है। हमने 2 कप मैदा लिया था, थोड़ा सा मेरा ये जो डो है ना थोड़ा सा नरम हुआ है, तो मैंने
तकरीबन आधा कप मैं मैदा और डाल दूँ। जब आप समझिए कि ये ढीला सा हो गया है तो आप इसमें मैदा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ये तकरीबन मेरी बड़ी चम्मच है तो ये दो चम्मच देखें ये घी भी जाएगा, क्योंकि घी ने इसको खस्ता करना है और मेरे पास देसी घी है। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप ना करें। ये देखें मेरे हाथों पे अभी ये लगा हुआ है, ये जब तैयार हो जाएगा तो ये हट जाएगा हाथों से, और ये घी के साथ हमने इसको ज़रा गूंथना है इसको। और जब ये डो मेरी तैयार हो जाएगी इसको फिर हमने एक घंटे के लिए रख देना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। ये एक चम्मच हम और डालेंगे क्योंकि इसको हमने खस्ता करना है ना। रेसिपी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखें डो मेरे हाथों पे लग नहीं रही, इसका मतलब है डो तैयार है। और डो को चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें से मेहनत लगती है ना गूंदने में खास तौर पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर चीज़ भी तो अच्छी बन के आती है ना। जो चीज़ आप मेहनत से बनाएंगे तो उसका तो फल मिलने ही मिलना है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि किस तरह ये डिश मतलब आपको रेसिपी पसंद आती है कि नहीं आती। इसको चेक करने का ये तरीका है कि अगर इसमें क्रैक नहीं आया तो समझो हमारी डो ये रेडी है, ठीक है। अब इसको हमने एक घंटे के लिए रेस्ट देनी है क्योंकि इसमें खमीर है, सोडा है, जो अपना वो काम दिखाएगा। तो फिर उसके बाद हम आपको एक घंटे बाद मिलते हैं। ये देखें बिल्कुल पेड़ा रेडी है, इसमें से बहुत ज़्यादा बनेंगे, इसमें तकरीबन 10 से 15 बन जाएंगे। इसको इस पर रखते हैं और इसको कवर करके एक घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। अगर आजकल वैसे गर्मी ज़्यादा है आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो मैं इसको एक घंटा दूँगी। अच्छा, इसको हमने गर्म जगह रखा हुआ था और ये मैंने गर्म टावल में इसको लपेटा हुआ था। और ये देखें ये फूल चुका है, और ये इतना नहीं फूलेगा क्योंकि ये पिज़्ज़े में तो हमने वो ज़्यादा यीस्ट डालते हैं ना, तो इसमें तो हमने नॉर्मल सी डाली थी, लेकिन ये डबल हो चुका है। अब ये रेडी है, हम इसके छोटे छोटे बाउल बनाएंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। बेकिंग ट्रे लेनी है, ये मेरी ट्रे है जो मेरे देशके में आ जाती है। इसको पहले हम ऑयलिंग कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास तो बटर पेपर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह बस रहने दें और इसी के ऊपर वो पेड़े से रख दें, लेकिन मैं बटर पेपर लगाऊंगी। ये बटर पेपर है मेरे पास। इसके ऊपर भी आप हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि जो आप वो कुलचे रखेंगे वो चिपकेंगे ना और जलें भी ना, ये ज़रा सेव करता है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाने हैं पेड़े, ना बहुत ज़्यादा छोटे। क्या होता है कश्मीरी वो ज़रा उन्होंने बड़ा बनाया होता है, लेकिन मैं ज़रा छोटे बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो बेकिंग ट्रे है ना वो छोटी है, उनका ज़रा इससे बड़ा होता है। इसी तरह हम दूसरा लेंगे, बहुत इजी है, ये तो सब बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा दबाएंगे क्योंकि इसे फूलना है। देखें क्रैक्स भी नहीं आ रहे, जो मेन आटे की निशानी है कि क्रैक्स आए, इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं है। और इनको फासले पर रखना है क्योंकि इन्होंने फूलना है अभी। और इसी तरह हम आप सारे पेड़े जो है ना वो बना लेंगे और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। और ये देखें मेरा आखिरी वाला, ज़रा मैंने इसको बड़ा लिया है, मैंने बड़ा लिया है इसको, और ये लास्ट वन है। थोड़ा सा प्रेस करें क्योंकि इसने फूलना भी है। और देखें अभी से कितने प्यारे लग रहे हैं, ये कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं ये। तो अगर आप इसे छोटे बनाएं तो आपके ये 12 इजीली बन जाए। तो मैंने जर्दी बचाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, ये इसके ऊपर लगाएंगे आप ताकि ऊपर से इसका कलर आ जाए। मैंने देखे काफ़ी लोग जो अंडा मतलब नहीं पसंद करते, तो उसके लिए क्या उसके लिए ये है कि दूध आप लगा लें, खाली दूध। हाँ, खाली दूध भी कलर दे देगा। अब इस पर लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, इन पे सब पे लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम तिल लगाएंगे। और इनको हमने तकरीबन आधा घंटा हमने बेक करना है, बिल्कुल जो चावल पे आप दम देते हैं ना वो आंच, क्योंकि इसको फूलना है। उसके बाद हमने 10 मिनट तेज़ रखना है चूल्हा ताकि इस पर कलर आ जाए, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो देसी है। तो उसके लिए फिर हमें ज़रा जो दूसरा घर का होता है उसके लिए हमें ये करना नहीं पड़ता, लेकिन घर के चूल्हे के लिए हमें 10 मिनट
फालतू देने पड़ते हैं ताकि इस पे कलर आ जाए। ये ज़रूर आप ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की स्वीट है और आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं तो मीठी खाती हूँ, मुझे नमकीन नहीं। अंडा मैंने लगा लिए फॉर कलरिंग। अब इस पे ऊपर मैं थोड़े थोड़े तिल डालूँ। ये तिल है, ईजिली मिल जाते हैं, तो ये थोड़े थोड़े हम डालेंगे। तिल डालने से जब ये तैयार होके निकलेंगे तो ये इतने खूबसूरत लगेंगे और लुक इतनी अच्छी आएगी। और वैसे भी जो मीठी ये इस तरह की डिशेस होती हैं, रेसिपीज, उस पर ये तिल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने 3-4 दिन पहले आपको हम रसे सिखाए थे, उसमें पर मैंने तिल अंदर डाले थे और ऊपर भी लगाए थे। और इसके ऊपर सिर्फ हम इसकी लुक के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, और वैसे भी कुलचों पर ये लगी होती है। या आप जो भी कुलचे, अगर आप कश्मीर साइड पर गए हों, अब तो यहाँ में मिल रहे हैं, अब तो हमारे भी साइड पे ये इधर मिल रहे हैं। अब बनाते हैं जी बेहतरीन किस्म का तंदूर। तंदूर जो है वो ज़रा, मतलब ओवन जो है मैं ज़रा अच्छा बना लेता हूँ, तो बनाऊँगा। कोई भी आप ऐसे ना देचका ले लें, ठीक हो गया। और देचके में आपने ना नमक डाल लेना, अगर आपके पास नमक है तो आप नमक डाल लें, नमक नहीं है तो वैसे भी आप स्टैंड बीच में आराम से स्टैंड बना सकते हैं। नमक से ये है कि थोड़ा टेम्परेचर अच्छा कंट्रोल हो जाता है। नमक डाल लेते हैं, ये नमक बहुत सस्ता मिलता है, ये खुला नमक होता है, ये 30 रुपए किलो मिल जाता है हमें। और मेरे ख्याल में ये हमको 8-10 दफा यूज़ भी कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। फिर बस हमने नमक डाल लेना है और नमक को अच्छे तरीके से हम यूँ ही फैला लेंगे ताकि एक अच्छी बेस बन जाए। और यहाँ पर जी हमारे पास है स्टैंड भी रख लेंगे। स्टैंड से ये होगा कि जो भी चीज़ ऊपर रखेंगे तो डायरेक्ट टेम्परेचर जो है वो। दूसरा, आपने अभी चूल्हा ऑन नहीं किया? हाँ, चूल्हा बंद है अभी। बंद है और अब हम इसे बंद कर प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट मतलब कि 15 से 20 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है, जिस तरह ओवन गर्म करते हैं ना, और उसके बाद इसमें चीज़ जो है रखेंगे। ओवन जो है प्री हीट अच्छे तरीके से हो चुका है आराम से, तो इसको मैं ढक्कन उठा लेता हूँ। अच्छा, प्री हीट से ये होगा कि आपका अच्छा तंदूर गर्म हो जाएगा। और अब आप ना हम आराम से इसके अंदर इसको रख दो हाथ को बचा के, और कोशिश करना कि रखते के साथ ही आपने ऊपर से ऐसे बंद कर देना है ताकि हीट जो है ना वो निकले ना। अब इसको तकरीबन हमने आधा घंटा रखना है, उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर इस पे कलर नहीं आया तो 10 मिनट हम और देंगे ताकि इस पे कलर आ जाए। अच्छा, कश्मीरी कुलचा अब रेडी हो चुका है, देखते हैं हम। तो जो ओवन है ये तो हमारा देसी ओवन है, अगर आपका दूसरा ओवन है तो वो 180 डिग्री पे, और आपने 20 मिनट्स के लिए रखा। मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए रखा है, उसके बाद 10 मिनट्स मैंने तेज़ आँच किया ताकि कलर आए। तो आप देखते हैं, हमारा हाथ भी नहीं जा रहा, इसको बिल्कुल आराम से निकालते हैं। दिखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मेरा तो हाथ नहीं जाएगा। तो ये देखें जी, वाह देखें जी, बहुत ही कमाल आपके सामने बिल्कुल, ये कमाल। और वो जो कश्मीर में बनता है वो तो वो तंदूर में लगाते हैं, तो हमने अपना तंदूर बनाया है। तो ये देखें, ये रेडी है। अभी ये जब ठंडा होगा, अभी तो हाथ भी नहीं लग रहा है, ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा तैयार हुआ है। अभी ये सॉफ्ट है, जब ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो 10 मिनट तक मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह तैयार हुआ है। अच्छा, बटर पेपर का ये फ़ायदा होता है कि ये ट्रे के साथ चिपका नहीं है, ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल नहीं चिपका। तो अभी ये गर्म है, नहीं तो मैं बस 10 मिनट तक आप वेट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको एक उतार के चेक करती हूँ कि ये किस तरह है, किस तरह तैयार हुआ है। तो ये देखें, ये बटर पेपर का ये फ़ायदा होता है कि ये चिपक नहीं रहा। और ये देखें, बेहतरीन, ये देखें नीचे से भी, वाह बिल्कुल प्रॉपर तैयार हुआ है ये। और इसको तोड़ के अगर मैं दिखाऊँ तो ये गर्म बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओए ओए ओए, चाय के साथ ये अभी गर्म है ना, ये जब ठंडा होगा तो ऊपर से हार्ड हो जाएगा और नीचे अंदर से सॉफ्ट है। देखें कितना ज़बरदस्त, एक एक करके उतारते जाते हैं। ये अभी हमने इंतज़ार नहीं किया ना इसे ठंडा करने का, ये अभी गर्म है, ये देखें। कोई ऐसा पीस जो जला हो, बिल्कुल सही डार्क ब्राउन जो हमें चाहिए था वैसे का वैसे। अगर पेड़े आप छोटे लेंगे तो ये और मज़ीद फूलेगा, तो इससे ये और बड़े होंगे। तो आप छोटे पेड़े भी ले सकते हैं इससे, ये जैसे मेरे 9 बने आपके 12 बन सकते हैं। आजकल वैसे भी गर्मी है तो ये आप बना के ज़्यादा रख लें, नाश्ते में ये आपके काम आएंगे, गर्मी में किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, एक दफ़ा बना लें और इसको यूज़ करें। तो आए रिव्यू शुरू करते हैं, तो रिव्यू के लिए तैयार है फिर? हाँ, अभी भी ये स्टिल गर्म है। हाँ, गर्म है ये, अभी ठंडे होंगे तो ज़रा ऊपर से सख्त होंगे और गर्म होंगे। वैसे अंदर से काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, देखें अंदर से काफ़ी सॉफ्ट से लग रहे हैं। और ये देखें,
अभी तो चख के देखता हूँ। वैसे आपने ट्राई किया अभी का? मैंने ट्राई किया अभी। बिस्मिल्लाह बहुत ही वैसे मुझे कश्मीरी कुलचे खाए तो नमकीन होते हैं ना, ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जो मीठी है ना, जो मतलब ऐसे भी खाए चाय के साथ मज़ा है। लेकिन जिनको नमकीन पसंद है वो नमकीन को पसंद करते हैं, लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ चाय के साथ। ये मेरी देसी चाय है। मज़े ही बंदे ऐसे बंदा खाए तभी मज़ा आता है। तो आई होप तो आपको अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।